जय श्री कृष्ण दोस्तों। कल जन्माष्टमी अच्छी बनी होगी आप लोगों की, मेरी भी अच्छी बनी। रात में 12 बजे जागा मगर वो वीडियो नहीं बना पाया, मगर हाँ एक क्लिप है वो मैं आपको दिखाता हूँ। जो फ़ोटो मैंने ले लिया था ठाकुर जी को खीरे में, हम जब पैदा कर दिखाते हैं ना कि उनका जन्म हुआ है तो खीरे में दिखाते हैं कि जन्म हुआ है। देखिए, हेलो दोस्तों, एक नई इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। आप अगर रेंट पे रह रहे हैं, नहीं रह रहे, आपको दिक्कत है, बिजी रहते हो, और आप अगर गैस बुकिंग नहीं कर पा रहे या फिर आपको नया सिलेंडर लेना है, तो उसके लिए एक कुछ चीज़ें इजी हो गई हैं अभी, तो मैं आपको बता देता हूँ। अभी एक मैसेज आया है, ये आपको पता ना हो तो आप जान लीजिए, मैसेज वैसे आ चुका है जो इंडियन ऑयल यूज़ करते हैं, इंडियन ऑयल जो LPG गैस के लिए या फिर पेट्रोलियम के लिए भी एक, मतलब एक ऐप बना दिया गया है जिसका नाम है इंडियन वन ऐप। ये ऐप है, इस पर जाकर आप अपना मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड कर लें, तो LPG गैस के साथ साथ आपको पेट्रोल और डीजल की क्या कीमत चल रही है आपके सिटी में वो भी आप जान पाएंगे। तो रजिस्टर्ड कैसे करना है मैं बता दूंगा। आप मोबाइल पर जो ऐप है वो है इंडियन ऑयल वन ऐप, किसी पोर्टल पर जाना है, आपने लैपटॉप पर चलाना है, उसमें cx.indianoil.in पर जाएंगे। मैं ये आपको सब लैपटॉप पे दिखाता हूँ अभी, ठीक है। ये इंडियन ऑयल वन ऐप वाला ये नहीं दिखाता, मैं cx.indian भी पोर्टल दिखाता हूँ, सेम ही है। उसमें मुझे प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा इंडियन ऑयल, तो मैं अभी पोर्टल वाला दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। ऐप वाला नहीं दिखा रहा। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर कैसे करना है और कैसे फिर आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ मिल जाएगी वो मैं दिखाता हूँ। देखिए मेरे लैपटॉप की स्क्रीन को, अभी बताता हूँ मैं आपको लिंक। यह है cx, देखिए .indianoil.in, ठीक है। इसका लिंक भी मैं डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, cx.indianoil.in। ये पोर्टल ओपन हो गया। देखिए ये LPG गैस के बारे में भी आ रहा है, जो गैस होती है LPG इंडियन का सिलेंडर का, ठीक है। यहाँ टोल फ्री नंबर, एमरजेंसी नंबर, ये लॉगिन और रजिस्टर्ड आ रहा है। देखिए ध्यान से मैं आपको दिखाता हूँ, लॉगिन और रजिस्टर्ड। तो हमें लॉगिन हम तभी कर सकते हैं रजिस्टर्ड हो, तो हम पहले रजिस्टर कर लेते हैं। रजिस्टर्ड करने के लिए हम रजिस्टर पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर डिटेल आ रही है, अगर हम लॉगिन पे भी क्लिक करेंगे तभी रजिस्टर के लिए आएगा और तब वैसे, क्योंकि वैसे वो नहीं हो पाएगा लॉगिन। फर्स्ट नेम मैं इसमें डिटेल भर देता हूँ, ये फर्स्ट नेम भरना है, लास्ट नेम भरना है, और मेन अपना मोबाइल नंबर आपने वहाँ रजिस्टर्ड कराया था वो भर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा यहाँ पर। और ये ऑप्शनल है ईमेल, फिर कैप्चा कोड, तो मैं अपनी डिटेल फिल कर देता हूँ जैसे। तो देखिए मैंने डिटेल अपनी फिल कर दी है, यहाँ पर जो लिखा था आई एम, मैंने ईमेल नहीं डाली, अपनी ईमेल है, मैंने आई एम नॉट ए रोबोट पे क्लिक कर दिया है। अब इसे मैं प्रोसीड कर रहा हूँ, अब ये प्रोसीड हो रहा है, आप देखिए। अब ये OTP मांग रहा है, OTP मेरे मोबाइल पे देखिए रजिस्टर्ड नंबर पे आ चुका है। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आ गया, जो मैं रजिस्टर्ड किया है 4 अंकों का नंबर आया है, इसे मैं वेरीफाई कर दूंगा यहाँ से। देखिए अब यहाँ पर ये न्यू पासवर्ड जनरेट, आप अपने हिसाब से कोई पासवर्ड रख लीजिए, मगर ये देखिए इसकी कंडीशन को फुलफिल कर लीजिए। यू मट एटलीस्ट 6 करेक्टर, हैव एटलीस्ट 1 नंबर, 1 2 3 4, 1 अल्फ़ाबेट होना चाहिए, अल्फ़ा नुमेरिक होना चाहिए, 1 अल्फ़ा किसी का भी रख लो, बाकी एक स्पेशल करेक्टर भी यूज़ करना है @। तो इसमें आप जैसे आपका नाम है नाम रख लीजिए, देखो इसे कोई यूज़ नहीं करेगा, आप सिंपल रख लीजिए अपने नाम का अक्षर रख लीजिए पहला, फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए @ लगा के, 1 2 3 4 या 5, ये सिंगल वर्ड कुछ भी कर लीजिए जैसे करना है। ये सिंपल प्रोसेस है अपने हिसाब से, इसे आप कर सकते हैं। सिंपल वे तो यही है पासवर्ड रखने का। देखिए पासवर्ड मैंने डाल दिया है और मैंने इसे सबमिट कर दिया, देखो सक्सेसफुली हो गया।
अब इसे गूगल पे सेव करना है नहीं करना, मैं तो अपने हिसाब से नेवर कर देता हूँ, आपकी मर्ज़ी है। प्लीज़ चेक हियर टू लॉगिन। अब मैं इस यूज़र नेम पासवर्ड से लॉगिन करूँगा, यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया है। तो यहाँ पे मैं अपना मोबाइल नंबर डालूँगा, मोबाइल नंबर मैंने डाल दिया है। अब ये पासवर्ड मांग रहा है, इसमें मैं पासवर्ड एंटर करता हूँ। पासवर्ड एंटर कर दिया है मैंने, अब इस पर क्लिक कर दिया आई एम एन रोबोट और ये सबमिट। अभी प्रोसेस हो रहा है, देखिए मेरे नाम से आ गया कमल गुप्ता। ठीक है, इसमें डिटेल यहाँ पर आ गई है, लॉगिन हो चुका है मेरे नाम से। अब लॉगिन करके रजिस्टर करके फ़ायदा क्या है वो मैं देखते हैं बताते हैं आपको। देखिए इस पेज पर ये है इनिशिएटिव के लिए, इसमें ऑप्शन आ रहा है एंटर कंपनी पोर्टल एलपीजी सिलेंडर बुकिंग, और ये हमें नहीं लेना 5 kg सिलेंडर है ये। तो ऑनलाइन पेमेंट फॉर डिटेल और हाउ टू गेट ए न्यू गैस कनेक्शन, तो न्यू गैस कनेक्शन के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए आ रहा है ये 14 kg 200, ये आता है 14 kg 200 kg का, 14.2 का है, 5 kg का सिलेंडर है। कि आप नियर डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाइए, किसी जहाँ से आपको बनाना है वहाँ क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, राशन कार्ड की, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, और ये क्या है पासपोर्ट, एम्प्लॉय सर्टिफिकेट, और चल जाता है ये एम्प्लॉय सर्टिफिकेट तो जब भी चलता है आप जब गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं, LIC पॉलिसी, वोटर ID कार्ड, रेंट रिसिप्ट, रेंट पर रहते हैं तो रेंट रिसिप्ट, पैन कार्ड इशू बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ये भी गवर्नमेंट के द्वारा हो गई, पैन कार्ड इशू, पैन कार्ड तो होता है सबके पास, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड। ठीक है, ये सैंपल कॉपी के लिए बता रहा है कि सैंपल कॉपी आधार कार्ड की कैसी होनी चाहिए। इसे ओपन होने देते हैं। तो ये आप इसमें कुछ कंडीशन है कि कर्नाटका और तमिलनाडु इनको छोड़ के राशन कार्ड मस्ट इशू ए न्यू कनेक्शन फॉर पॉजिटिव डोमेस्टिक LPG कनेक्शन। देखिए इसे तो इनको इंक्लूड करके है जो मैंने बताया कर्नाटका या तमिलनाडु एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट राशन कार्ड इज मस्ट बी इशूड फॉर न्यू कनेक्शन प्रोस्पेक्टिव डोमेस्टिक LPG सिलेंडर। यहाँ पर इसके चार्जेस भी दे रखे हैं नीचे, नॉर्थ ईस्टर्न और अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, आसाम, मेघालय, मिजोरम को और सिक्किम, मणिपाल को छोड़, ये इसमें तो ये चार्ज नहीं 1150 इतने के लिए, और छोटे वाले जो सिलेंडर होता है 5 kg वाला उसके 350, 100 रुपये पैसा रेगुलेटर अलग है, और बाकी सब रेस्ट ऑफ इंडिया में 1450 का होगा। ठीक है, क्लियरली लिखा है, और ये 150 का इसमें होगा, ये देखिए ये पैसे रेगुलेटर का चार्ज है। और हमें क्या करना, देखिए यहाँ पर एक चीज़ और है आएगी, ये खुला है जो पेज यहाँ से, ये लॉयल्टी का ऑप्शन है, इसमें पॉइंट मिलते हैं। देखो ये मेरा नाम आ रहा है कमल गुप्ता, यहाँ पर ये मुझे रिवॉर्ड मिला, देखा रिवॉर्ड 8.72 रुपये का रिवॉर्ड मिला हुआ है। यहाँ पर क्लिक करके इनरोल कर सकता हूँ मैं। एक्स्ट्रा बेनिफिट देखिए लिखा है, गेट रिवॉर्ड फॉर ईच फ्यूल पॉइंट, इजी एंड इंस्टेंट रिडीम्पशन, ट्रैक योर रिवॉर्ड पॉइंट ऑनलाइन। तो देखिए यहाँ पर ये LPG पर ये ऑप्शन है, उसी में देखिए यहाँ पर लिखा है अप्लाई ए न्यू कनेक्शन, तो KYC के लिए यहाँ पर सबमिट कर दें। तो ऑनलाइन डाउनलोड फॉर्म भी है, टैरिफ प्राइस भी अलग है, हमें मेन सबमिट KYC है। KYC सबमिट करने के लिए यहाँ पर मेरा नाम देखिए ऑलरेडी आ रहा है, क्योंकि मेरा नाम जो रजिस्टर्ड नंबर है इसलिए हो रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है कि नाम आ रहा है और कोई डिटेल नहीं आ रही, मदर नेम, एड्रेस आपका जो है ठीक है, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी कहाँ के रहने वाले हैं, लैंडमार्क, पिन कोड ये नेसेसरी है, डिस्ट्रीब्यूटर देखिए यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर का ऑप्शन है, जब मैं और डिटेल फिल कर दूँगा तब यहाँ पर आ जाएगी डिस्ट्रीब्यूटर, अपने हिसाब से आप सेलेक्ट कर पाएंगे। देख लीजिए तो
तो यहाँ से डिटेल आप सेव करके कंटिन्यू करेंगे और डिटेल आएगी, उसे फिल करने के बाद ये आपका फॉर्म कंप्लीट होकर एक टिकट नंबर मिल जाएगा, उससे जाके आप डायरेक्ट वहाँ पर जहाँ के लिए आपने डिस्ट्रीब्यूटर सेलेक्ट किया है उनसे आके बात कर सकते हैं। और लास्ट में ये देख लीजिए, अगर आपका खुद का है रजिस्टर्ड डील आ रही है, जैसे मेरे पॉइंट आ रहे हैं तो देखिए यहाँ पर एक दिखाया गया एग्जांपल के लिए पॉइंट इतने आएंगे, तो आप उसे रिडीम भी कर पाएंगे। साथ में देखिए जब आपका रजिस्टर्ड हो जाएगा नंबर, आप इस तरीके पोर्टल पर आ जाएंगे, मोबाइल से भी करना चाहें वो कर लीजिए, इससे ही करना चाहें वैसे कर लीजिए, क्यों आप डाउनलोड करेंगे बहुत सारी एप्लीकेशन आपकी जगह गिरेगी। यहाँ आपके रुपये जो आएंगे आप उस डोमेस्टिक में जो आप लेते हैं उसे आप यूज़ भी कर पाएंगे पॉइंट को। मेरे पॉइंट तो बहुत कम है, ये पॉइंट कुछ ज़्यादा दिखा रहा है, एग्जांपल के लिए दिखा रहा है, तो ऐसे आप इसे यूज़ कर पाएंगे, ये बेनिफिट है इसका। आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी लाइक करें, शेयर करें, दूसरों को पता लगे नई इन्फॉर्मेशन जो नई चीज़ चालू हुई है। तो इसमें आप इस पर इस पोर्टल पर जाके आपको बुकिंग करनी है, तो बुकिंग का ऑप्शन भी इसमें दे रखा है कि आप मैसेज के थ्रू कर सकते हैं। अपनी कस्टमर आईडी जो आपकी बन जाती है जब आपका बुक, मतलब जब आपका रजिस्ट्रेशन कनेक्शन मिल जाता है उस कंडीशन में, जब न्यू कनेक्शन कर रहे हैं उसके लिए मैंने आपको बता दिया है। इसका क्या बेनिफिट है इस ऐप का, या फिर इस पोर्टल पर जाके आप लॉगिन रजिस्टर्ड करते हैं उसका क्या बेनिफिट है, वो भी मैंने आपको बता दिया। यहाँ से डायरेक्ट आप कंप्लीट कर सकते हैं लॉगिन करने के बाद। ये सारी डिटेल देखो मेरे सामने है, ठीक है, साइट आप अपनी डिटेल फिल कर लीजिए, फिर टिकट नंबर जो मिल जाएगा उसे लेके जहाँ के लिए आपने फिल किया है, दिल्ली में, गाजियाबाद, नोएडा में, NCR में, जहाँ रह रहे हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कहीं भी रह रहे हैं, वहाँ आप जाके कर लीजिए। उसी जगह जहाँ के लिए आपने फिल किया है, बहुत एरिया वाइज आपने जो भी पसंद किया है, जहाँ पसंद है वहाँ पर एरिया अवेलेबल है, जैसे जगह नहीं होती वो कहते हैं कि हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं है, काफ़ी ज़्यादा मतलब नंबर ऑफ यूजर्स कनेक्शन ज़्यादा है, अपने हिसाब से देख लीजिए। यहाँ पर डाउनलोड फॉर्मेट उसमें फिर कर दीजिएगा, KYC सबसे पहले होनी चाहिए, ठीक है, ये आप कर लेंगे, टिकट नंबर मिल जाएगा तो वहाँ जाके आप संपर्क कर लेंगे, ठीक है जी। डॉक्यूमेंट मैंने आपको बता दिए क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी, तो लाइक करें, हमेशा नई इन्फॉर्मेशन के साथ में आपके पास आते हैं, तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और यार सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। बाय बाय, गुड नाइट।